व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे नवंबर मंथ वाले अपडेट्स जो कि फाइनली आ चुके हैं एंड बेसिकली कल आए थे, मतलब कल रात को आए थे, तो मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि मैं जो है रिसेंटली कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पाऊंगा या तो फिर नहीं डाल पाऊंगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी जो है एग्जाम्स चल रही है। तो जस्ट मेक श्योर करना कि भाई मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो है ब्रेक ले रहा हूँ या तो फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो जस्ट अगर वीडियो कंटिन्यूसली ना आए तो जस्ट ऐसा समझ लेना कि भाई मेरी एग्जाम्स चल रही है एंड उसी की वजह से मैं डाल भी नहीं पाऊंगा। इवन मेरा इटर्निटी ऑफ पेन जो है अभी तक मैंने नहीं डाला एंड ये मेरा शायद वीक का सबसे पहला वीडियो का। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना पूरा देखने की ट्राई करना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्योंकि दो तीन अपडेट्स यहाँ पर रहेंगे एंड दो तीन अपडेट्स जो है यहाँ पर हमको साइड इवेंट क्वेस्ट के डिटेल्स में रहेंगे, जो कि दोनों की दोनों चीज़ें हम लोग एक ही बार में ब्रेक डाउन करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप पूरा देखो, नहीं तो फिर जो है बार बार आपको मेरे को मैसेज करके पूछना पड़ेगा। उसकी जगह पर जस्ट ये एक बार वीडियो देख लो तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी। ओके, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ब्रांड न्यू दो चैंपियंस के साथ, जो कि होगी एक शूरी, एक क्या कहते हैं ब्लैक पैंथर की शायद बहन है वो, एंड देन फिर ये अटुमा। अटुमा क्या है, बेसिकली ये एक जनरल है शायद नेमोर की क्या कहते हैं आर्मी के अंदर, एंड ये आई गेस म्यूटेंट रहेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद स्किल है ये, आई गेस यहाँ स्किल है ये। एंड अगेन टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में क्या है, सी ऑफ ट्रबल सीप, बेसिकली कैवेलियर इवेंट क्वेस्ट है तो जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड देन फिर शूरी एंड अटुमा एंटर्स द कॉन्टेस्ट। शूरी जो है वो टेक चैंपियंस रहेगी एंड अटुमा जो है वो एक स्किल चैंपियन रहेगा। इसका आई गेस इन लोगों ने वो जो कॉमिक मोशन बनाया था तो वो भी रिलीज हो चुका है। एंटर द रिक्वेरी रेलक्वेरी, तो बेसिकली ये साइड इवेंट क्वेस्ट का नाम है, देख सकते हो यहाँ पर एंटर द रेलक्वेरी। उसके बाद स्टिल अगेन आगे बढ़ते जाए, इटर्निटी ऑफ पेन डिप्रेशन ये तो अभी भी चल ही रहा है, सेकंड बॉस जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है तो उसमें कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं। यहाँ पर आती है सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई रेलिक्स, तो रेलिक्स जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, रेलिक्स एज अ शार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब हमको 4-स्टार के शार्ड्स कैसे मिलते हैं, 5-स्टार के शार्ड्स कैसे मिलते हैं, तो रेलिक को भी उसको शार्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड वो कैसे कलेक्ट करने तो वो हमको साइड इवेंट क्वेस्ट में जाके दिखेगा, तो उसकी चिंता मत करना। एंड इसीलिए मैं स्टार्टिंग में रहा था कि भाई पूरा वीडियो देखना। उसके बाद जो है हमको शार्ड्स कलेक्ट करना है एंड शार्ड्स कलेक्ट होके जो एक क्रिस्टल फॉर्म होगा उससे हमको क्रिस्टल ओपन करने पड़ेंगे। ये रेलिक्स भी जो है 3-स्टार, 2-स्टार, 4-स्टार, 5-स्टार तक जो है ना, इवन 6-स्टार के अलग अलग लेवल के रेलिक्स होंगे। ये जैसे ही रेलिक्स एक्चुअल में लाइव आ जाएंगे तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि एक सेपरेटली वीडियो बनाऊं, क्योंकि रेलिक्स बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा। इवन मेरे को भी अभी खुद से जो है एग्जैक्टली पूरा 100% समझ में नहीं आया, तो पहले मैं समझ जाऊँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मूविंग ऑन, चैंपियन अपडेट्स है कि भाई ब्लैक पैंथर के थोड़े बहुत जो है मोशन जो है अपडेट्स हुए हैं एंड रॉकेट रैकून को पूरा बफ मिल रहा है। एंड इसके बाद जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तक भी लोग मेरे को जो है मैसेज करके पूछ रहे हैं, गेट 7-स्टार शार्ड्स फ्रॉम डुप्लीकेट 6-स्टार चैंपियंस वेन यू ऑप्टेन दिस, इतने इतने शार्ड्स मिलेंगे अगर डुप्लीकेट करते हो तो। एंड न्यू 6-स्टार मैक्सिक क्रिस्टल गेट 7-स्टार शार्ड्स फ्रॉम सिग्नेचर लेवल दिस। सो बेसिकली ये वाले अपडेट आने के बाद, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ये वीडियो डालूंगा ना उसके बाद से आपको 7-स्टार शार्ड्स नहीं मिलेंगे। जिस टाइम पे नवंबर मंथ का अपडेट आ जाएगा उसके बाद ही अगर आप 6-स्टार क्रिस्टल ओपन करते हो तब जाके ही तुम लोगों को 7-स्टार के शार्ड्स मिलेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 7-स्टार के सिर्फ शार्ड्स मिलेंगे, आपको 7-स्टार चैंपियन नहीं मिलेगा। आपको 7-स्टार चैंपियन मिलेगा 2023 के स्प्रिंग में। स्प्रिंग में मतलब ऑलमोस्ट जो है फेब्रुअरी मार्च के एंड में कहीं पर मिलेगा, मतलब बेसिकली 2023 में, इस साल तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको 7-स्टार शार्ड्स मिल गए, अगर आपके पास इनफ 7-स्टार शार्ड्स होते भी है तो भी आप क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपोनेंट्स डेफिनेटली हमको देखने को मिल सकते हैं, इसी का इन लोगों ने जो है फोरम पे जो रेड कलर में लिखा है एग्जैक्टली सेम टू सेम वही लिखा है कि समनर प्लीज रिमेंबर दैट टू ऑप्टेन 7-स्टार शार्ड्स व्हेन डुप्लीकेटिंग योर 6-स्टार चैंपियंस यू मस्ट फर्स्ट अपडेट टू वर्जन 37.0, मतलब कि ये वाला अपडेट देख सकते हो रिलीज नंबर नोट्स 37.0, ठीक है। जब तक कि ये अपडेट लाइव नहीं आ जाता आपको 7-स्टार शार्ड्स जो है नहीं मिलेंगे। तो जस्ट मेक श्योर करना कि आप 6-स्टार शार्ड्स ओपन कर रहे हो तो एटलीस्ट ये अपडेट लाइव है एंड देन ही फिर कोई ओपन करो, या तो फिर जस्ट वेट करो किसी ने 6-स्टार क्रिस्टल ओपन किया, वीडियो बना दिया कि भाई उसको 7-स्टार शार्ड्स मिल गए, फिर जाके तुम ओपन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूंगा।
उसके बाद मूविंग ऑन, एंटमैन के थोड़े बहुत इश्यूज है, मैग्नेटो है ये वगैरह, यहाँ पर मेनली कोई खास है नहीं, तो इसीलिए हम लोग फिर जो है ओके स्कैटलिस्ट का एक है कि फिक्स एन इशू वेयर स्कैटलिस्ट वाज नॉट सेटिंग ट्रैप्स इन अर फाइनल फेज, तो मेरे ख्याल से मेरे को तो कोई दिक्कत आई थी नहीं। सो मूविंग ऑन टू साइड इवेंट क्वेस्ट, तो साइड इवेंट क्वेस्ट में भी क्या करना है कि भाई एक की टाइप मिलेगी बेसिकली, हमको जो है की लेके जाना है एंड क्वेस्ट जो है अनलॉक्स हो जाएंगे। अगेन क्या करना है, अनलॉक रिक्वायर की फॉर 28 डे का कैलेंडर, मतलब 28 केस मिलेंगी इन गेम मैसेज में मिलेगा, मतलब डायरेक्टली जाके मिल ही जाएगी। रेल क्वेरी कीज कैन बी यूज्ड इन एनी डिफिकल्टी एंड आर नॉट कंज्यूम्ड ऑन यूज, तो बेसिकली एक की जो है आपको हर एक डिफिकल्टी में एंटर करने का मौका मिलेगा, मतलब कि आप सारी की सारी डिफिकल्टीज भी एंटर कर पाओगे। एंड डिफिकल्टी का भी एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई फोर न्यू डिफिकल्टीज प्लस एक और न्यू डिफिकल्टी, मतलब कि नॉर्मल वाली जो हमारी नॉर्मल वाली है, मास्टर्स वाली है, एपिक वाली है एंड लेजेंडरी वाली, अभी के जो टोटल हमारे पास चार डिफिकल्टीज है प्लस एक और हमको देखने को मिलेगी जो कि है एल्डर डिफिकल्टी फॉर थ्रोन ब्रेकर एंड प्लस, मतलब कि जो लोग थ्रोन ब्रेकर बन चुके हैं एंड जो लोग पैरागॉन बन चुके हैं सिर्फ वो ही लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, बाकी सबके लिए जो है लॉक्ड रहेगी। एंड देन फिर सेवन पाथ रहेगी, सिक्स ऑफ विच विल रिक्वायर कीज टू एक्सेस विच ऑफ दिस गिवन आउट फॉर 4 weeks, 1 energy पर मूव, तो डेफिनेटली एनर्जी हमको स्पेंड करनी पड़ेगी। ईच पाथ डिफेंडर इज अ बॉस लेवल फाइट, क्योंकि अगर अब हम लोग जो हायर डिफिकल्टी जाएंगे तो थोड़े बहुत जो है बॉस डिफिकल्ट होते जाएंगे। ईच डिफेंडर रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ रेलिक समनर्स कैन ऑप्टेन, ठीक है अभी ये देखो ये थोड़ा बहुत जो दिक्कत देगा, मतलब कि हमको जो है रेलिक्स यूज करने का भी मौका मिलेगा एंड साथ ही साथ हमको रेलिक्स देखने का भी मौका मिलेगा। समनर्स पिक अ बॉस फाइट बिटवीन टू न्यूएस्ट चैंपियंस ज्वाइनिंग द कॉन्टेस्ट नवंबर, तो हमको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि भाई हमको अटूमा को फाइट करना है या तो फिर शूरी को फाइट करना है, ऐसा कुछ होगा। बट जैसे ही एक्चुअल वीडियो में आए, मतलब एक्चुअल कॉन्टेंट लाइव आ जाता है, मैं वीडियो बना दूंगा या तो फिर जो किसी का भी वीडियो बनने जाए उसके बाद देखकर ही एंटर करना, ताकि फिर आपको जो है दिक्कत ना हो। एंड ये जस्ट बेसिकली कैलेंडर है कि भाई हमको क्या क्या शार्ट्स मिलेंगे एंड किस टाइम पे कौन से शार्ट्स मिलेंगे, तो देख सकते हो रेल क्वेरी की 2 है, रेल क्वेरी की 4 है, तो ऐसे करके जो है हर एक दिन का अलग अलग कीज टाइप होगी या तो फिर हर एक वीक के अलग अलग कीज टाइप होगी, जिसकी वजह से आप क्वेस्ट में एंटर कर पाओगे एंड सारी की सारी डिफिकल्टीज 100% एक्सप्लोर कर पाओगे, मतलब कि यहाँ पर जितने भी रिवॉर्ड्स देख रहे हो वो सारे के सारे आप कलेक्ट कर पाओगे। एंड देन फिर इसमें दिक्कत जस्ट यही है कि ये एल्डर डिफिकल्टी की वजह से ना आपकी जो रेगुलर वाली लेजेंडरी डिफिकल्टी जो सबसे हाईएस्ट थी वो भी सबसे हाईएस्ट नहीं रहेगी, उसकी जगह पे एल्डर डिफिकल्टी ने जगह ले ली है एंड उसकी वजह से आपको जो नॉर्मल शार्ट्स मिलते थे उससे कम मिलेंगे। अगर पिछले वाले मंथ या तो फिर अक्टूबर वाले मंथ के देखोगे तो लेजेंडरी डिफिकल्टी में ऑलमोस्ट 10,000 जो है 6-star शार्ट्स मिल रहे थे, अब हमको जो है सिर्फ 6,000 मिलेंगे एंड सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर 6-star बेसिक हीरो क्रिस्टल शार्ट्स देख सकते हो 15,000 मिलेंगे सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी में। बट अगेन उसके लिए आपको एटलीस्ट थ्रोन ब्रेकर होना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कर पाओगे। एंड देन फिर ये रेलिक शार्ड है, एक और स्पेशल ऑब्जेक्टिव है अनकलेक्टेड एंड ऊपर वालों के लिए कि भाई डिफीट एंटमैन हल्क ये वो एंड आपको जो है 12 पॉइंट्स मिलेंगे एंड देन फिर ये रिवॉर्ड के जैसे शार्ड्स मिलेंगे। शार्ड्स के लिए क्रिस्टल है यहाँ पर टूथ एंड क्रॉक क्रिस्टल चैंपियन पूल, तो ये बेसिकली यह चैंपियन पूल रहेगा हमारा जो कि एवरी मंथ कैवलियर क्रिस्टल मिलता है एंड अक्टूबर वाले मंथ का जो भी कैवलियर क्रिस्टल का वीडियो है वो इसके बाद शायद मैं डेफिनेटली डाल दूंगा क्योंकि वो मेरा भी अभी भी कंप्लीट करना बाकी है। मूविंग ऑन, ये देखो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करनी चाहिए एंड स्टार्टिंग वाले फेज में मैंने इसीलिए बताया था। तो ये क्या रहेगा कि भाई प्लेटिनम प्लेटेड इवेंट्स है, यहाँ पर आप लोग जो है प्लेटिनम पूल के जो भी पीसीज है वो कलेक्ट कर पाओगे। तो अगेन क्या होगा कि भाई अलग अलग सोलो इवेंट, एक ये वाली सोलो इवेंट है, ये प्लेटिनम इज अनब्रेकेबल, ये एक अरीना रहेगी, प्लेटिनम पीस ट्रेड इन, मतलब अगर आपके पास कोई भी प्लेटिनम पूल के डुप्लीकेट पीस पड़े, सपोज उसका हेड आपके पास 4 पीसीस पड़े हैं बट दूसरा कोई एक ही पीस चाहिए एक फुल्ली फॉर्म्ड बनाने को, तो वो आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। अगेन यहाँ पर ट्रेड मतलब कुछ अलग रहेगा, बट जैसे ही इवेंट लाइव आ जाती है तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा इसके बारे में वीडियो, क्योंकि मेरा भी अभी भी कोई भी 5-star एंड 6-star दोनों में मेरा प्लेटिनम पूल नहीं बना है, तो डेफिनेटली मेरे को एक फुल्ली फॉर्म्ड प्लेटिनम पूल चाहिए उसके लिए। फिर अगेन एंटर, देखो ये सोलो इवेंट है, ये बैटल ग्राउंड्स के रिलेटेड होगी एंड देन फिर ये अरीना है, तो बेसिकली आप और 4-star, 6-star एंड 5-star, 6-star चैंपियंस जो है यूज़ करने पड़ेंगे एंड वहाँ से आपको अर्न फेबुलस क्रिस्टल, 5-star प्लेटिनम पूल पीसीज एंड मोर, तो वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लेटिनम पूल पुलोजा डेडपूल ट्रैक इवेंट है, तो ये समथिंग जो है क्या कहते हैं
एक इवेंट टाइप रहेगी जहाँ पर आपको खेलना है जाकर, एंड कंप्लीट डेली सोलो ऑब्जेक्टिव्स, अगेन इसके सोलो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसको ट्रैक डाउन करो, उसको डिफीट करो, एंड देन फिर एज अ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। एक वन ऑफ द एक और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेड ऑप्शन फॉर मोर रिवॉर्ड्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द प्लेटिनम पास। सो जिन लोगों ने भी अभी ये देखा होगा ना, समन और कैंप इवेंट थी, तो उसमें कैसा एक पेड इवेंट थी और एक फ्री वाली इवेंट थी, तो इसमें भी सेम पेड इवेंट वाला ऑप्शन रहेगा एंड फ्री वाला भी ऑप्शन रहेगा, बट मेरा फ्री टू प्ले अकाउंट है तो ये हमारे लिए अप्लाई नहीं होता, एटलीस्ट मेरे लिए। उसके बाद ये एक लास्ट चीज़ है, न्यू स्पिन इट टू विन इट सोलो इवेंट। अभी इस वाले सोलो इवेंट में आपको ऑलमोस्ट गारंटीड रहेगा कि आपको 5-स्टार रॉकेट रकून मिल जाए या तो फिर 6-स्टार रॉकेट रकून, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा कि भाई अन गारंटीड 6-स्टार रॉकेट रकून बाय ओपनिंग न्यू गन्स ब्लेजिंग क्रिस्टल। समवनस हु हैव नॉट येट रीच्ड कैवेलियर कैन अप टू 5-स्टार गारंटीड, मतलब जो भी कैवेलियर होंगे उनको 5-स्टार रॉकेट रकून गारंटीड रहेगा अगर वो ये खेल लेते हैं तो, एंड अगर उससे ऊपर होंगे तो उनके पास चांस है कि वो 6-स्टार भी मिल सके उनको बाय ओपनिंग फ्यूरोशियस क्रिस्टल। दिस क्रिस्टल भी ऑल्सो अवेलेबल इन क्रिस्टल वॉल्ट नवंबर 2024 एंड रनिंग नवंबर 26 विद द सेकेंड रनिंग डेट अप टू डिसंबर 4 एंड अनटिल डिसंबर 6। तो डिसंबर 6 मेरा सबसे लास्ट रहेगा, एंड यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं करा, जो भी गन्स ब्लेजिंग के माइलस्टोन या तो फिर प्लेटिनम पूल उषा की जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट करो, वहाँ से शार्ट्स मिलेंगे, ये क्रिस्टल ओपन करो, देख सकते हो क्रिस्टल स्पिन, अगर आप 15 क्रिस्टल स्पिन कर लेते हो तब जाके जो आपको ये 6-स्टार रॉकेट रकून मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा क्रिस्टल ओपन करोगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर 7-स्टार की जैसे मैंने बात की कि भाई 7-स्टार कब मिलेंगे, कब एक्चुअली लाइव आ रहा है एंड कब एक्चुअली आपको मिलना स्टार्ट होंगे, उसी जगह पे सामने यहाँ पर प्लेटिनम पूल की जो पीसीज है वो आप ट्रेड इन कर पाओगे, एंड देन फिर पूरी की पूरी डिफ़िकल्टी, एक और ब्रांड न्यू डिफ़िकल्टी आ रही है लाइव यहाँ पर, तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बताया था कि आप कोई भी चीज़ें जो मिस ना करो, एंड होपफुली स्टिल अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्चुअल जैसे इवेंट लाइव आ जाएगी होपफुली शायद वेनसडे को या तो फिर मंडे को अपडेट आ जाएगा, एंड उस टाइम पे आप अपडेट कर पाओगे गेम को, तो तब तक वेट करना जब तक कि कोई वीडियो नहीं बना देता 7-स्टार शार्ट्स का। सो या इतना सा रहेगा अपडेट, बट स्टिल अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को पूछ सकते हो। टिल देन इतना सा था ये वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।